हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये जो आपके सामने टॉपिक्स अपीयर हो रहे हैं, व्हाई ज्वाइन डीएवी स्कूल और नॉट, कि हमें डीएवी स्कूल ज्वाइन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। इसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनको परमानेंट कब किया जाएगा, उनको जो पे स्केल है वो कब मिलेगा, और हर एक साल उनको CBT देना होगा, और जो भी आपका डीएवी का एक्सपीरियंस है, बहुत बच्चों का अच्छा है, बहुत का थोड़ा नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करिएगा। ये सारे जो पॉइंट्स है आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा, इंक्लूडिंग आपका जो नेक्स्ट CBT है वो कब होगा। और एक मैं अलग से वीडियो डालूंगा कि जो ऑलरेडी डीएवी में जॉब करते हैं लेकिन उनका जो CBT क्वालिफाई हुआ है या नहीं हुआ है, जिनका हुआ वो तो ठीक है, उनको तो आगे प्रमोट कर देंगे, रख लेंगे, लेकिन जिनका नहीं हुआ है वो कैंडिडेट्स क्या करेंगे, उनको आगे कंटिन्यू कराएंगे या नहीं कराएंगे, इसका मैं वीडियो जल्द ही अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ करूँगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये सारे टॉपिक्स। तो देखिए, जो DAV का एक्सपीरियंस है, जो मुझे काफ़ी कमेंट्स आए हैं, 50-50 रहा है। काफ़ी जो बच्चों का कहना है कि जो DAV में ऑलरेडी स्टाफ काम करता है उन्हीं को आगे कंटिन्यू कराया जा रहा है, फ्रेशर्स को जो चांस है वो नहीं दिया जा रहा। देखिए, ऐसा नहीं है, सारे DAV सेम नहीं है। देखिए, जो ऑलरेडी स्टाफ वहाँ काम कर रहा है, कॉमन सी बात है, उनको भी जॉब की ज़रूरत है, तो उनको तो कंटिन्यू कराएंगे ही कराएंगे। अगर कोई ड्यू टू एनी रीज़न जॉब छोड़कर चला गया है या किसने आगे कंटिन्यू नहीं करना ड्यू टू सम रीजंस, तो वहाँ पर आपको फ्रेशर्स को चांस दिया जा रहा है। और काफ़ी स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी पोस्टें वैकेंट हैं, कोई रिटायर हो गया है, किसी ने ट्रांसफ़र ले लिया है, ठीक है, तो वहाँ पर भी पोस्टें वैकेंट है, वहाँ पर भी कैंडिडेट्स को रख रहे हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, ये नेगेटिव मत सोचिए कि बिल्कुल फ्रेशर्स को रख ही नहीं रहे, ऐसा कुछ नहीं है, रख भी रहे हैं। नेक्स्ट, DAV के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मीट करनी चाहिए। DAV के अकॉर्डिंग आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मीट करनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें PGT की, इसमें आपका कॉमन सी बात है, BEd तो चाहिए चाहिए, ठीक है, मास्टर्स भी चाहिए, ग्रेजुएशन भी चाहिए, इंक्लूडिंग CTET और आपका स्टेट का टेट जो होता है। अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो आपका स्टेट का टेट होता है, जैसे हिमाचल वालों का हिमाचल टेट होता है, हरियाणा वालों का हरियाणा टेट होता है, पंजाब वालों का पंजाब टेट होता है, ऐसे जो भी आपकी स्टेट है दोनों में से कोई भी आपका जो टेट है वो क्वालिफाई होना चाहिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन ज़्यादातर जो प्रेफरेंस दी जा रही है वो CTET को दी जाती है इन DAV और अदर जो स्कूल्स हैं, तो फिलहाल दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। परमानेंट का ये जो है सबसे मेन है, पहला पॉइंट है, तो वही पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, परमानेंट ये नहीं कि आपको जॉब लगी और लगते सार ही आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, पूरा जो ऑल ओवर आपका वे ऑफ टीचिंग है, आपका बिहेवियर कैसा है स्टूडेंट्स के साथ, स्टाफ के साथ, पेरेंट्स के साथ, ये सारा कुछ देखकर फिर, जैसे आपको पता है जिन्होंने तो कंटिन्यू कर लिया उनकी तो जो है पैक सर्टिफिकेट की वैलिडिटी वो 3 ईयर्स है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो 1 ईयर है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका पूरा काम देखकर 3 ईयर्स के बाद ही पूरा जो आपका शेड्यूल रहेगा आपका परमानेंट का, पूरा आपका एक ACR होता है DAV में, ACR पूरी आपकी रिपोर्ट होती है कि आपने क्या क्या किया, कौन कौन से सेमिनार्स वगैरह, कौन कौन से XYZ जो भी आपका DAV में काम किया उसके अकॉर्डिंग होता है, तो ये सारा कुछ उसमें लिखा जाता है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो 3 ईयर्स के बाद ही पता लगेगा। अभी आपको कुछ नहीं कहा जा सकता कि 3 ईयर्स बाद पक्का परमानेंट होंगे या नहीं होंगे, ये सारा कुछ डिपेंड करता है पैनल पे। तो बाकी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, तो बाकी उनसे इंफॉर्मेशन लेते रहिए। तो पे स्केल आपको तभी मिलेगा जब आप परमानेंट होंगे, जो भी आपका वहाँ पे स्केल होगा ग्रेड पे जो भी होता है 4200 4800, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको जब आप परमानेंट हो जाएंगे तभी आपको ग्रेड पे मिलेगा, उससे पहले आपको नहीं मिलेगा। जो भी आपकी वैकेंसीज रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं निकल रही हैं वो अभी प्रोहिबिशन बेसिस पर हैं या एडहॉक बेसिस पर हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब करनी है। और DAV में ऐसा नहीं कि आपको निकाल देते हैं, अगर आपका काम अच्छा है आपको कंटिन्यू कराते हैं,
आप जो डीएवी में ऑलरेडी जॉब करते हैं उनसे भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ऑल ओवर सभी का एक्सपीरियंस गुड ही होता है, लेकिन आज तक मैंने नहीं सुना किसी का एक्सपीरियंस बैड है। सो पॉजिटिव रहा करिए, बहुत सी मैंने देखा आप नेगेटिव रहते हैं, नेगेटिव वाइब्स आती हैं आपकी ओर से, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट पॉजिटिव रहिए। अगर एक डीएवी में आपको चांस नहीं मिला, यू कैन ट्राई अदर डीएवी। अदर में नहीं मिला, कोई ना कोई तो गॉड ने आपके लिए प्लेस रखी है जहाँ पर आप सेट होंगे, तो ये है। और ये सारी जो जॉब्स है ट्रांसफरेबल हैं, जैसे कि आपने उसमें भी देखा है जो आपका एडवर्टाइजमेंट निकल रही है, इंक्लूडिंग आपका पैक सर्टिफिकेट उसमें भी है। तो इसमें 3 ईयर्स के बाद ही पता लगेगा जो भी आपको इंफॉर्मेशन आएगी परमानेंट की, कि होंगे या नहीं होंगे। बाकी ये कि आप CBT देते रहिए, अगर आप CBT हर एक साल देंगे तो आपका एक पॉजिटिव पॉइंट ही ऐड होगा। एंड ऑल्सो सबसे इम्पॉर्टेंट, इस बार जो आपका CBT हुआ है, इन्होंने कट ऑफ काफ़ी डाउन से उठाया, लेकिन अगली बार कट ऑफ थोड़ा हायर लेवल से उठाया जाएगा, इंक्लूडिंग पेपर टफ होगा। और जो अभी CBT निकलेगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर 2026 में, मेरे अकॉर्डिंग आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, बिकॉज अदर स्टेट में जो DAV लेता था, जैसे झारखंड हो गया, ओडिशा हो गया, इसमें CBT होता था, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती थी, लेकिन इस बार ड्यू टू ऑल ओवर इंडिया इन्होंने ये सारा अप्लाई किया, तो इसलिए आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और पेपर भी अकॉर्डिंग टू जो भी आपका सब्जेक्ट था, जर्नल इंग्लिश और सॉन, थोड़ा इजी था, लेकिन आगे से आगे ये पेपर आपका टफ होता रहेगा, तो आप टफेस्ट की तैयारी करें सो डैट आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। और जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, अपना एडमिट कार्ड, आपका पैक सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन फॉर्म तीनों को सेव करके रखिए। मैंने ऐसे स्कूल्स भी देखे हैं जिनमें एडमिट कार्ड भी मांग रहे हैं, मेरे ख्याल से एडमिट कार्ड की ज़रूरत ही नहीं है, आपका रोल नंबर है, डेट वन इज सफिशियंट फॉर योर जॉब, बैकेंड में सारा रिकॉर्ड होता है जो DAV इक्विपमेंट की वेबसाइट है। तो नेक्स्ट आपका CBT कब आएगा, देखिए इन्होंने कहा था जो इनका रिक्विटमेंट पोर्टल था, DAV रिक्विटमेंट था CMC का, DAV CMC का, उन्होंने में इन्होंने क्लियरली दिखा था कि आपका जो CBT है एक साल में 2 टाइम्स लिया जाएगा, तो अभी तो इनका हो गया है। सेकेंड जो चांसेस आपके नवंबर में हैं, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए। जो भी आपको नोट चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर, क्या क्या सिलेबस आ सकता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, आपको सारा हमसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी आप DAV ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले आपको 89 डेज के लिए रखा जाता है, 89 डेज तक, 90 डेज रख लीजिए, चलिए अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ आपकी जो परफॉर्मेंस है देखी जाती है कि आप कैसा वर्क कर रहे हैं, आपका जो स्टूडेंट्स हैं, अदर स्टाफ है, उनके साथ आपका कम्युनिकेशन कैसा है, बिहेव कैसा है, सारा कुछ। फिर 89 डेज के बाद आपको फर्दर कंटिन्यू कराया जाता है 1 ईयर के लिए, लेकिन अब तो चलिए CBT क्वालिफाइड है, 3 ईयर्स का है, लेकिन फिलहाल कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि आपका नेक्स्ट मार्च तक ही ये वैलिड है CBT, तो बिकॉज अभी तो कोई अपडेट नहीं आई ऐसी, लेकिन इन्होंने वेबसाइट पे भी दिया था कि आपका जो CBT है 3 ईयर्स के लिए वैलिड होगा, लेकिन वो सारा कुछ वेबसाइट से रिमूव कर दिया गया जो DAV रिक्रूटमेंट की वेबसाइट है। तो बाकी पॉजिटिव रहिए, जो भी आपका DAV का एक्सपीरियंस है, गुड है या बैड है, जैसा भी आपने इंटरव्यू दिया उसमें जो जो हुआ, लाइक इंटरव्यू हुआ, सब्जेक्ट पैनल के पास आप गए, जो भी आपका सब्जेक्ट एक्सपर्ट इंटरव्यू लेता है, फिर आपकी डेमोन्स्ट्रेशन हुई, और फाइनल फिर आपका जैसे अदर स्टेट्स हैं उनका जो पर्सनल आता है DAV या CBSE का, वो इंटरव्यू लेता है, वो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए फॉर अदर्स, सो डैट अदर्स की हेल्प हो सके। जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है DAV का, ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके एक्सपीरियंस के ऊपर ही बनाऊंगा कि ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने DAV में इंटरव्यू दिया था, तो इनको सॉन प्रोसेस फॉलो करने पड़े, इनका यहाँ सिलेक्शन हुआ, सोसन, जो भी आपके कमेंट्स हैं ज़रूर अपना कमेंट्स दीजिएगा, बेशक आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है, सो डैट वो जो इन्फॉर्मेशन है हम बाकियों के साथ शेयर कर सकें, उन इन्फॉर्मेशन से उन्हें भी कुछ जजमेंट हो सके DAV की। बाकी मेरे अकॉर्डिंग अगर आप DAV की बात करें, सो DAV गुड, लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे हैं कि जिन्होंने पोस्टें वगैरह ऑलरेडी फिल्ड है, तो वहाँ फ्रेशर्स को नहीं चांस दिया जा रहा, तो इसलिए कुछ कैंडिडेट्स हैं जो थोड़ा नेगेटिव सोच रहे हैं कि नहीं DAV में ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन फिलहाल फिर भी अगर जो आपका डाउट है या कमेंट है, जो भी आपका DAV का एक्सपीरियंस है, आप ज़रूर वो शेयर करिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा, सो डैट जो भी इन फ्यूचर DAV के अपडेट्स आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्युएबल टाइम।